कर्मचारी पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले 18 महीने डी एरियर को डेट हुई कंफर्म, 3 किस्तों में मिलेंगे 11,880 रुपये लेवल ए के कर्मचारियों को। नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस अपडेट में देखेंगे डी एरियर की डेट 18 माह की कन्फर्म हो चुकी है, उस अपडेट से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, 18 महीने डी एरियर की डेट कन्फर्म हो गई है जिसमें आपकी 3 किस्त में आपका डी एरियर आने वाला। अगर आप ये 18 महीने डी एरियर को अटके हुए इंतजार कर रहे हैं तो नवंबर मई में आपकी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग में अटके हुए डी एरियर का फैसला ऐलान हो सकता है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और इसमें पेंशनर्स यूनियंस के प्रतिनिधि मीटिंग में बकाए का पेमेंट की सिफारिश करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक नहीं है सहमति, अगर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई इसमें पेमेंट को लेकर के सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जल्द ही इस पैसे के लिए देने की सहमति बन जाएगी। और कर्मचारी को जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच 3 किस्त का पैसा है दिया जाना है। 3 किस्तों में पैसा मिलेगा। अगर मिनिमम सैलरी 18,000 है तो उसके हिसाब से 4320, 3240 और 4320 रुपये के हिसाब से 11,880 रुपये जो आपका एरियर है वो पहली किस्त जनवरी जुलाई 2000 के लिए 4320 रुपये होंगे, जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 3240 रुपये और जनवरी से 2021 के लिए बीच में एरियर का 4320 रुपये होने वाला। हाल ही में 38% डीए कर दिया गया है, जिनका अलावा इनमें 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का फिर डीए में इजाफा कर दिया जाएगा जो लग रहा है कि 4 से 5% होने के चांसेस हैं। डेढ़ साल से हो रही है डीएनएस अलाउंस की मांग की डिमांड लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में अपील की है थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि कर्मचारी का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। करीब कर्मचारी पिछले 1.5 साल से इनको लेकर के मांग की जा रही है। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।